मैंने बहुत अरे नहीं अरे... थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी ना। मैं बहुत मिठाई खाया बस। I'm sorry अन्नू, पर इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए मुझे ही करना ही पड़ेगा। खुश रहो। मैं बाहर गड्डी में हूं, इसका ध्यान रखना। ऑफ कोर्स गौतम। एक दिन ही सही, लेकिन आपके साथ रह के अच्छा लगा। रोना बंद कर नई बहू। माना तरम का घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है, पर वृंदा तेरी बेटी भी ना दुदकते खरगोश से कम नहीं है। इस घर में आते ही जल्दी सबसे कुल मिल जाएगी। चले जी, मैं भी आई। अनोखी का लेटर। गोमती जल्दी कर, अपना ध्यान रखना। वो लेटर पढ़ लिया मैंने। तो आपने I'm really sorry. It's okay, Miss Anokhi. It's fine. तो आपने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल माफ कर दिया मिस अनोखी। अब हमारी शादी हो चुकी है और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सारी चीजें नहीं। कहाँ रह गई? यहाँ आओ। जाओ जाओ।
अनोखी नहीं, मुझे कुणाल और कुणाल को मैं समझ रही थी, तो इतना माफी क्यों मांग रही थी? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी हो चुकी है हमारी, मुझे पता है वो मेरे लिए क्या फील कर। मेरी बेटी को खुश रखना, मुझे पता है, मुझे पता है कि जो मैंने आज किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। अगर तुषार को उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता तो वो मेरी अनु को कभी माफ नहीं कर पाता। और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी अनु को शादी नहीं तोड़नी है तो वो कुछ भी कर लेगी, मगर इस शादी को नहीं टूटने देगी। 6 महीने तो क्या, जिंदगी भर उन्हें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही हो। शाबाश। अब आलता अनु, अब पाव आलते में रखकर गृह प्रवेश कर। रुको रुको, कल्पना पकड़। दादी ने केमिकल सूंघ लिया क्या? जस्सी जी, ये थाल तूने तैयार की है? हाँ दादी बुआ, क्या हुआ? गलत बात है। नहीं, तू नई बहू की बहन भी है और जिठानी भी। नई बहू का स्वागत करने से पहले
तू अपने हाथों के निशान दीवार पर बना। अनोखी भी यही रस्म करेगी और ग्रह प्रवेश करेगी। ले जल्दी कर, आलते में अपना हाथ डाल। जस्सी बाबा एक काम कर, तू ना आलते में हाथ डाल और मैं थाली पकड़ लेता हूं। जी दादी को रहने दे, मैं कर लूंगी। जी डाल हाथ, जल्दी कर जस्सी बहू, नई बहू का गृह प्रवेश कर। अरे बाबा तुझे तो कुछ भी नहीं। क्यों, इसे क्या होना था है? नहीं वो दादी बुआ। ओके ओके टाइम वेस्ट मत करो जस्सी बेटा, जल्दी से अपने हाथों की छाप लगाओ और स्वास्तिक बनाओ। डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। चलो अनोखी बेटा तुम भी लगा दो।
सदा सुहागन रहो। परम आशीर्वाद लो। चलो अब सब तैयारी शुरू करो। यार बाबा मुझे समझ नहीं आया, तूने आलते की थाल में हाथ डाला पर फिर भी तेरे हाथ क्यों नहीं जले भाई? तुम लोगों ने इस थाल में केमिकल मिलाया था? मम्मी हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम लोग क्या उस अनोखी को मार डालने की प्लानिंग कर रहे हो? अरे मॉम मैंने तो इसे कहा भी था कि भाई ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, पर नहीं इसने मेरी कभी सुननी थोड़ी ना। मम्मी मैं अनोखी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहती। वो मुझे पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस गॉड ना गुस्सा आ रहा है ना तुम लोगों पर, और तुम्हारी इस हालत की वजह से मैं कुछ नहीं कह रही। जैसी तुमने जो कुछ भी किया है अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से किया है, एंड आई होप ये बात फिर से रिपीट नहीं होगी। आई एम श्योर कि माताजी को शक हो गया होगा, इसीलिए वो रस्म करवाई उन्होंने तुमसे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी और पुलकित की बातें सुन ली और ये थाल बदल डाली। Ridiculous. बल्कि ये लो और फेंक के आओ कहीं। And I hope तुम दोनों ऐसी गड़बड़ फिर कभी नहीं करोगे। Understand? Okay. Okay. प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।